बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वाओ, इट्स डेंजरस डेंजरस। हवा बहुत तेज़ चल रही है और ब्रिज जो है काफ़ी ज़्यादा झूल रही है ऐसे, और तख्ते भी आप देखें बिल्कुल छोटे छोटे लगे हुए, और जिस पर पाउंड भी मुश्किल से आता है। ये देखें बहुत ही छोटा तख्ता है, और तख्ते मेरे ख्याल में बड़े होने चाहिए। याहू, बहुत थक गए जी, थोड़ा डिफ़िकल्ट ट्रैक है। हम अब इस वक्त पहुँचे हैं पशु ब्रिज पे, वेरी ओल्डेस्ट ब्रिज, और ये मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत साल हर साल पहले, सदियों पहले ये बनाया ये ब्रिज। और ये सस्पेंशन ब्रिज है, और लकड़ी के तख्ते और जो स्टील वायर्स हैं उनके साथ ये हैंगिंग इन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है। बेसिकली दूसरी साइड पर पशु का गाँव है, और वो उन लोगों ने इस साइड को केकेएच साइड, गुलमेज साइड, गुलमेज गांव में अपनी एक्सेस को एक्सेस करने के लिए उन्होंने ये ब्रिज बनाई, ताकि लोग एक दूसरे की साइड पे आ सके। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डेंजरस है, बट हमने एडवेंचर करना है। जी इस वक्त हम पशु ब्रिज पे है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको, इस पे चलना, हम एहतियात करते हैं, और डेफिनेटली हम कुछ ज़िक्र भी करते हैं। ऐसी जगह पे ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम इसको ब्रिज को देखते रहेंगे तो चलते रहेंगे, अगर हम इसकी टेक्निक है, अगर हम नीचे रिवर को देखेंगे तो लगेगा कि हम जहाज़ पे उड़ रहे हैं। और ये जैसे जैसे हम थोड़ा आगे जाएंगे तो ये डोलना भी शुरू हो जाएगी, और मैं कहूँगा कि डांस करना शुरू कर देगी। आगे चलते हैं थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वाओ, इट्स डेंजरस डेंजरस। हवा बहुत तेज़ चल रही है, और ब्रिज जो है काफ़ी ज़्यादा झूल रही है ऐसे, और तख्ते भी आप देखें बिल्कुल छोटे छोटे लगे हुए, और जिस पर पाउंड भी मुश्किल से आता है। ये देखें बहुत ही छोटा तख्ता है, और तख्ते मेरे ख्याल में बड़े होने चाहिए। याहू, जगह का नाम पशु है, और मेरी बैग में पशु गांव है। पशु गांव के लोगों ने यहाँ सस्पेंशन ब्रिज कई सालों पहले यहाँ पर बनाई। ये ब्रिज जो है ना स्टील वायर से हैंगिंग ब्रिज है, बेसिकली सस्पेंशन ब्रिज, और इसके ऊपर तख्ते लगाए गए हैं, काफ़ी मजबूत हैं, बट छोटे छोटे साइज के हैं, डेंजरस हैं। और ये पुल की जो इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज़ है, जो एडवेंचर से भरपूर है, वो ये है कि जैसे ही आप इसके ऊपर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये ऐसे ऐसे झूलना शुरू हो जाती है, और लगता है कि आप बोइंग 777 पे बैठे हैं, और आपकी टांगें मेरी तरह नीचे लटकी हुई हैं, और जहाज़ जो है ना हवा में उड़ रहा है। और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस। आप हमारे साथ रहिए, बेहतरीन यादें लेकर हम जा रहे हैं यहाँ, और मैं कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, और डिस्कवर पाकिस्तान जिंदाबाद। याहू, पाकिस्तान जिंदाबाद।